promise that I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people have rejected, people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं है। या एक ही बताइए ना, आप यही पहले बताइए, आप लोग एक तो बताइए, पहले इनसे बात, लेडीज फर्स्ट आई थिंक प्लीज। लीडर्स लाइक महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला सेइंग दैट इट इज एन इंटेंशनल रिलीज एंड यू विल बी सपोर्टिंग बीजेपी लाइक अ प्रॉक्सी। माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट उमर अब्दुल्ला सेज, हिज फाइट इज फॉर द चेयर, माई फाइट इज फॉर द पीपल। 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई हैव नथिंग टू से हिम, पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम ऑलरेडी ऑन 4th of June व्हेन ही लॉस्ट बाय मोर देन 2 लाख वोट्स। सो महबूबा मुफ्ती साहब अभी हार गई, आई एम एजेंट ऑफ माई कॉन्शियंस, आई एम एजेंट ऑफ माई पीपल, और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहार से, तिहार का नाम ही काफी है। आई कॉन्ट फॉरगेट अल्ताफ फंतोश खुआज माई सेलमेट, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश की घर पहुंची। आई कॉन्ट फॉरगेट डजन्स ऑफ कश्मीरीज, अब्दुल माजिद बाबा, फयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, अब्दुल माजिद बाबा फ्राम सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवाड़ा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ इनमेट्स फ्राम कश्मीर हु आर देयर इन तिहार, हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर। मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है, मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। अरे कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी, हाउ डू यू से इट, बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जीज पॉलिसी टिल माई लास्ट ब्रेथ, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है। वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी, और जो मेरा वोट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट वाज बिकॉज इट वाज अ रिजनमेंट अगेंस्ट मोदीज डिसीजन ऑफ टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड 35A। पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए। इट वॉज नॉट इन लव विथ मोदी जी, जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। वो पीओके की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को, आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम। कश्मीर बिलोंग्स टू अस, हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल, माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर कैरियर, लीव पॉलिटिक्स टू अस, इट इज माई जॉब टू रिप्रेजेंट योर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस। उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहार जेल में जाना पड़े, और फिर जो आपने उम्र साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई वाज नॉट, एक बड़े मार्जिन से आप, एलामी जस्ट ए सेकंड, जस्ट सिंस यू हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन, इट वाज उमर अब्दुल्ला साहब, जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं, फिर जब हम जीत गए फिर कहा इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट इज विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स। मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट इज अ रेडिकल, वी आर नॉट रेडिकल्स। और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाए, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है, लेट हिम टेल, या दैट इज फॉर यू ऑल्सो, इफ आई एम ए सेपरेटिस्ट देन एंटायर कश्मीर इज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स, फिर सारे लोग मेरे साथ हैं, लेट यू डिसाइड।
I have taken oath in the constitution, but that doesn't debar me from telling the truth. Nehru had talked about Kashmir issue, Vajpayee ji had talked about Kashmir issue, every leader, you have signed agreements in Shumla, in Tashkent, in Agra, everywhere. So how am I a separatist? मैं आपकी चैनलों पे आके डिबेट करता था और आपसे एक शिकायत है, आप तो मुझे भूल ही गए थे, आप तो समझे मर गया इंजीनियर रशीद, लोगों ने आपको भी याद दिलाया, डोंट फॉरगेट अबाउट योर प्रोफेशन, मीडिया के लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई बिलोंग, आई एम वन अमंग यू, आई यूज राइट कॉलम्स, आई यूज कम अटेंड टीवी डिबेट्स, लेकिन शिकवा आपसे भी है, 5.5 साल आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया. इट्स समथिंग अबाउट तिहार, तिहार में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है. त्यौहार की कहानी मैं बता दूंगा, आई हैव रिटन माय ऑटोबायोग्राफी. मैं त्यौहार में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहाँ पर, यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, आई यूज इट वर्क देयर इन द लाइब्रेरी, मेरे कोई हद तक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी, आई वर्क देयर लाइक द वे लाइक अदर इन्वेस्टर्स डू वर्क, सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन, आई एम कमिटेड फॉर माई पीपल एंड आई विल डू टिल माई लास्ट ब्रेथ, एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन द वर्डिक्ट एंड दे विल गिव इट अगेन. माई मैसेज पीपल ऑफ इंडिया इज दैट वी आर नॉट योर एनिमीज, यू आर बींग मिसलेड एंड वी आर बींग मिसरिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कश्मीर. सर आप पूछ रहे इंजीनियर साहब, एक बड़ा सवाल है आपको अलगाववादी